कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में महंगाई को लेकर एक रैली की तो भाजपा ने कांग्रेस के ऊपर जमकर पलटवार किया। भाजपा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा तो यूपीए सरकार के समय की महंगाई को भी गिनाया। आपसी अंतर कलह से जूझ रही कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में रविवार को एक रैली की और केंद्र सरकार की नीतियों पर हमलावर नजर आई। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। राहुल गांधी के आरोपों पर जबरदस्त पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि कांग्रेस की ये रैली परिवार बचाओ रैली है और यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट में चली गई थी। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। राहुल गांधी महंगाई के विषय में बोल रहे थे, उन्होंने आटा भी लीटर्स में आज कन्वर्ट किया है। वो जानते नहीं हैं आलू मिट्टी के नीचे होता है, आलू ऊपर होता है, आटा सॉलिड है या आटा लिक्विड है, मगर बोलते हर विषय में। मगर राहुल जी, टू एनलाइटन यू, एक ऐसा कालखंड था यूपीए के राज के समय जब 22 महीनों तक जो महंगाई दर है वो 9% या 9% से ऊपर रही फॉर अ कंटिन्यूअस फेज ऑफ 22 मंथ्स। दैट वॉज द रेड जोन ऑफ इंडिया, जब जीडीपी नीचे थी और इन्फ्लेशन ऊपर थी। और एक ऐसा भी समय था, फॉर द फर्स्ट टाइम द इन्फ्लेशन इन द कंट्री हैड गॉन टू डबल डिजिट्स। आज पैंडेमिक के बावजूद जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया गया है, पैंडेमिक के बावजूद देश ने आत्मनिर्भर बनने का ये जो प्रण लिया है, ये अपने आप में हिंदुस्तान के रिजॉल्व को, हिंदुस्तान की प्रण शक्ति को, हिंदुस्तान के संकल्प को दिखाता है और ये जीत प्रत्येक हिंदुस्तानी का है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पूरी दुनिया कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसके चलते महंगाई समूचे विश्व के लिए समस्या बनी हुई है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने इस दिशा में सराहनीय काम किया है। यूपी के कालखंड में 10 वर्ष में क्या था, आज क्या है, दुनिया में आज स्थिति क्या है और भारत में क्या है, इन्फ्लेशन कंटेन करने के लिए हमने क्या किया है और दुनिया में क्या चल रहा है, और एवरेज इन्फ्लेशन 10 वर्ष में क्या था, आज क्या है, ये थोड़ा तुलना तो करने दो। तो गरीबी हटाओ नारा लगाया, गरीबी हटाओ क्या हो गया, रोटी कपड़ा और मकान बोला वो क्या हो गया, ये सब थोड़ा तो सोच विचार करके। और पोस्ट कोविड और यूक्रेन और रशिया के वार के बाद दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में स्थिति क्या है, थोड़ा पता करके अगर थोड़ा कुछ राहुल गांधी को कॉमन सेंस बचा है तो थोड़ा सोच के बात कर। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर पूरी कांग्रेस पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो देश में गरीबों की संख्या में भी कमी आई है। संबित पात्रा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है उसकी वजह से राहुल गांधी का डर साफ नजर आता है। भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी द्वारा देश की मीडिया, न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर सवाल खड़े करने पर गहरी आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट से इस बयान पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील भी की। जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, मीडिया को बिका बताने वाला नेता कभी भी सही मायने में नेता नहीं हो सकता। और जहां तक जांच एजेंसियों का सवाल है, भ्रष्टाचारियों को डरना चाहिए। जिन लोगों ने देश के करोड़ों रुपए का गबन किया, जो लोग आज बेल पे बाहर है, कांग्रेस के दर्जनों नेता आज बेल पे बाहर है बिकॉज ऑफ द ह्यूमंगस करप्शन दैट दे हैव कमिटेड। और स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार किया है तो जांच होगी। इसलिए ये बताना कि एजेंसीज उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपके अंदर के गिल्ट भाव को, आपके अंदर के ग्लानी भाव को दर्शाता है। पार्लियामेंट जहां पे डिबेट होना चाहिए वहां तो कांग्रेस पार्टी भाग जाती है, चलने नहीं देती, क्योंकि वहां पर उनको जवाब भी मिलेगा और जवाब ऐसा मिलेगा जो पूरा देश देखेगा, तो उनकी पोल वहीं पर ही खुल जाएगी, तो वहां वो चलने नहीं देते। यहां पर मंच पे अपना खुद का माइक लगाकर ये भाषण देंगे, कोई दूसरा तो दे नहीं पाएगा। तो अपनी इनको कोई जवाब इनको सुनना नहीं है, क्योंकि इनके खुद के जो प्रदेश हैं जहां इनकी राज्य सरकारें हैं वहां पर इन्होंने महंगाई कम करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया है।
भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के मुद्दे पर दिल्ली में रैली तो की, लेकिन जब संसद में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हुई तो कांग्रेस पार्टी सदन में मौजूद भी नहीं थी। इस प्रकार के दोहरे रवैये के चलते कांग्रेस की जनता के मुद्दों के प्रति गंभीरता पर ही सवाल उठते रहे हैं।